करते हो? मैं बहुत बुरा हूँ तो मेरा ही अच्छा आएगा ना? तुमसे तो अच्छा हूँ। आम ले रहा हूँ। देखो आम का सीजन है, आम की स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रैवल ओलिक शरद में। और आप देख रहे हैं हम दोनों को, और हम आज जा रहे हैं घूमने, और आपको मिलते हैं आगे, बताते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए हमारा ब्लॉग ट्रैवल ओलिक शरद। अरे हाँ, 1 kg दे दो यार हमें भी, और 1 kg से दे दो। अरे वो आम आपके बाग का है ना? ठीक है, आम अच्छा दिखा तभी तो हम देते हैं आपको। हाँ, ये टेस्ट करके देखते हैं भाई। मैं फाड़ो मत, हम मुझे पता है, मैं देख लिया, मुझे पता है। सबसे छोटा आम है। फिर उस देख के कैसा लग रहा है आम को? सही लग रहा है। खरीदना होगा कहाँ? खरीदने वाला ये रहा, खरीदने वाला मैं हूँ। कैसे दे रहा हूँ अमित? ये बोल रहे हैं 50 रुपये, बट हम बोल रहे हैं थोड़ा सा 10 रुपये छोड़ दो यार। तुम्हारी शक्ल देख के, शक्ल अच्छी है। ज्यादा बोरा हूँ। The chance to run, leave behind the said and done, figure out what's to come. You got me thinking all the things wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know, it's suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. अभी आधी रास्ते में हैं हम, और यहाँ एक छोटी सी झील, क्या बोलते हैं इसे, झील मिला हमें, जिसमें हमारे दोस्त मजे लेते हुए, और ये व्यू देख सकते हैं आप। मैं नहीं आया। ओ भाई क्या व्यू है यार ये, क्या व्यू है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। इतनी अच्छी जगह जो मैं काफ़ी दिनों से इधर आना चाहता था, जो आ नहीं पा रहा था। इस लॉकडाउन के बाद, घर से आने के बाद मेरे को मौका मिला, जो कि मैं पहुंच चुका हूं। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है। बताओ कुछ यहाँ के बारे में यार। क्या बताओ यार, जन्नत है, जन्नत ये जन्नत है। आप यहाँ देखो, मजा है, बहुत ही मजा, दिल खुश हो जाएगा। कसम से दिल खुश हो गया मेरा। क्या नीचे जाना है हमें? जाना किधर है यहाँ से? हम इधर से नीचे गए थे, इधर इधर चलो इसके, मतलब हम इधर नीचे गए थे। इधर जाना है, नीचे जाना, किधर जाना है? अच्छा, अमित है जो कि अभी देख सकते हैं आप, फोटो शूट कर रहे हैं। आप कैसा लग रहा है यहाँ के आपको? क्या बताऊँ यार, बहुत मजा है यहाँ पे आके ना, बहुत खुश हूँ मैं। खुश हो ना? छोटा सा जन्नत बोलो तो, एक छोटा सा जन्नत। काफी अच्छा लग रहा है। और अभिषेक तुम बताओ कैसा लग रहा है, तुम बताओ यार। मेरी ना क्या बोलूँ मैं, मुझसे कुछ नहीं बोला जाएगा। अरे शर्मा क्यों रहा यार, बोल दो बोल दो। अरे यार तुम्हारे सामने तो लड़कियां भी फेल है यार। फिर तुम बताओ यार कुछ, तुम बताओ कुछ यार। रोड खराब है नहीं तो हम ऊपर जाते यार, आगे जाते ना, वहाँ पे काफी अच्छी जगह यार। चुके हैं यहाँ लास्ट रास्ते पे, और इसके आगे हमें जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा, जो कि हम देखो आप यहाँ पे गाड़ी लगा दिया हम, और यहाँ पे अब हम पैदल जाएंगे। आगे मिलते हैं आपसे और बताते हैं आगे कैसा सफर रहा हमारा। बट काफी काफी खतरनाक रास्ता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पैदल जाएं और आपको आगे का व्यू दिखाएं। मतलब काफी अच्छा जगह है, और मैं आप देख सकते हो, आप ये जगह देखो, क्या ही जगह है ना, क्या ही जगह है। मतलब देख लो आप जगह, क्या आप, कितनी प्यारी जगह है।
आप लोग यहाँ पैदल जा रहे हैं अब, और मतलब काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है ये, देखो भाई एकदम खरा रास्ता है, इस पर चलना भी मुश्किल है। मैं तो स्लाइड्स में ही आ गया था कि बगल में जाना है, बट ये काफ़ी एडवेंचरस हो गया हमारा। ये देख सकते हो आप, ओह भाई कितनी प्यारी जगह, यहाँ गांव के लोग भी आ रहे हैं, देख सकते हो आप। ये तो हम जा नहीं पाएंगे बिकॉज काफ़ी मतलब रोड रास्ता ख़राब है, और यहाँ के गांव वालों ने हमें मना करा कि आप आगे ना जाए तो बेटर होगा, और मौसम भी देख सकते हो आप कितनी ख़राब हो रही है, तो इसके वजह से हम आगे नहीं जा पाएंगे। हम आ चुके हैं वापस घूम के, और वहाँ काफ़ी मज़ा आया, और अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे तो इस जगह का नाम रिखौली है, और वहाँ जाने के लिए आपको पहले देहरादून आना होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप देहरादून आएंगे तभी जा पाएंगे। तो देहरादून आके, और देहरादून के बाद एक भावला जगह है, और भावला आने के बाद वहाँ से आप डूंगा जा सकते हैं, और डूंगा के बाद जस्ट पेट्रोलियम कॉलेज है, और पेट्रोलियम कॉलेज से आप हल्का सा पहले लेफ्ट टर्न लेंगे तो फिर आपको ये रिखौली जगह मिलेगा। मतलब काफ़ी दूर है वहाँ से, थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। आप जितना अंदर जाओगे उतना ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है। हमें तो काफ़ी मज़ा आया, और आप देख सकते हैं, आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगर आप और भी ऐसे ऐसे अच्छी ब्लॉग चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।